नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। ललितपुर जनपद में एक बार फिर डिपो चालक के साथ प्राइवेट बस के दलालों पर मारपीट करने का आरोप लगा है। विगत दिनों पूर्व भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सरकारी बस स्टाफ के साथ मारपीट की गई थी। उस पर भी मामूली धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और मामला रफा दफा कर दिया गया था, लेकिन लगातार सरकारी बस डिपो के स्टाफ के साथ हो रही मारपीट रुकने का नाम नहीं ले रही है। प्राइवेट बसों के दलाल आए दिन सरकारी बसों के चालक कंडक्टरों से अभद्रता और मारपीट करते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज भी एक मामला सामने आया है। डिपो बस के चालक नरेंद्र सिंह शहर कोतवाली में शिकायती पत्र देकर बताया है कि वो सरकारी डिपो बस का चालक है। दिनांक 13 सितंबर को सुबह 10 बजे ललितपुर बस स्टैंड से बस लेकर झांसी की ओर जा रहा था, तभी बीच रास्ते में अभिलाषा पेट्रोल पंप के पास वैजयंती बस मड़ावरा नॉन स्टॉप के बस के दलाल कंडक्टर और ड्राइवर और एक अज्ञात व्यक्ति ने बस रोकी और मुझे गाड़ी से खींच कर गाली गलौज करते हुए मारपीट की और कहने लगा कि तू यहां से बस नहीं निकल पाएगा और ना ही तू कोई सवारी बैठाएगा। आए दिन हो रही सरकारी डिपो बस चालकों के साथ ऐसी घटनाएं जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। वहीं कुछ दिन पूर्व हुए मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद विकराल रूप तो लेता जा रहा था, लेकिन प्रशासन ने मामले को रफा दफा कर दिया था। प्राइवेट बसों की यूनियन द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आगे से ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी, लेकिन कुछ दलाल अपनी हनक दिखाते हुए आए दिन मारपीट गाली गलौज करते रहते हैं, जिन पर कोई कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है, जिससे उनके हौसले बुलंद हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आए दिन घटित हो रही इन घटनाओं पर प्रशासन आखिर कब तक कार्रवाई करता है। यहाँ पर आकर के ये लोग तिरछी कर देते हैं, जो सवारियाँ इधर उधर से कलेक्ट करते हैं उन्हीं में से उतारना चालू कर देते हैं। भाई हम इनकम कहाँ से लाएंगे? जिला स्तर पर अगर हमारे 10-25 सवारी नहीं मिलेगी तो हम विभाग को क्या जवाब देंगे? दूसरी बात इनका क्या रखे पायलट है, क्या दिक्कत हो रही है आपको? सर मैं रोडवेज का जो है ड्राइवर हूँ, सरकारी ड्राइवर हूँ सर, तो प्राइवेट वाले निकलने नहीं देते हैं, मारपीट करते हैं। अभी 8 दिन पहले भी घटना हुई थी, वही दलाल आज फिर से आना चालू किया। वो उसका उस दिन लड़ाई हुआ था, आज आप फिर हमसे हुआ, दूसरे से हुआ था, आज हमको मारना पीटना चालू कर दिया। रोज रोज का मारना पीटना चालू है और पुलिस में जाते हैं तो 2-3 दिन के लिए शांति रहती है, इसके बाद फिर वो मारना पीटना चालू कर देते। सर हम कैसे बस चलाओ, क्या करें, परेशान हैं हम लोग। और या फिर सरकार बंद करवा दे तो अच्छा है, या फिर चलवाना है तो साहब मारपीट खाते खाते कब तक खाएँगे मारपीट? आपको चोट में ये चोट आया बागे हाथ घूटो से। क्या मामला हुआ भैया? हम आए थे यहाँ पे, हमारा एक्सीडेंट हुआ तो हमने भर्ती, हमारे पास कोरोना की जांच भी है, डॉक्टर की हमको बोली है एमसी बट्टा, उनके पास हमारा इलाज चल रहा था और मैं जो भर्ती वाले भर्ती थे भैया, हमारे रात में हमें छुट्टी हो गई थी 4 बजे। इस मामले से एक गाँव को आ तो हमारे लगा आदमी ऊपर जैसे वो दीपक ना ऊपर ऊपर मोसी का लड़का खत्म होगा तो उसमें देख रही में लग गए। समय ज़्यादा हो गया था तो वहीं से खाना लिया हमारी मम्मी ना, हमने वहीं पर सो गए। कहाँ सो गए थे? स्टेशन की जो वो नहीं है दुकान बंद।